ब्लॉक एलिया की ग्राम सभा एलिया का शंकरपुरवा, जहां एक साल पहले नया विद्युतीकरण हुआ था, जिसमें पोल तार सहित कंप्लीट 25 के वी ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, जो महज एक हफ्ते ही चलने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उसे खराब बताकर उतार ले गए। जानकारी करने पर बताया कि जिस प्राइवेट संस्था ने ट्रांसफार्मर लगाया था, वही रिपेयर होने के बाद लगाई गई, जो एक साल से आज तक लगाया नहीं गया। जब बिजली संस्था से बात की गई तो पता चला कि आज तक उन्हें ये ट्रांसफार्मर प्राप्त नहीं हुआ। आखिर ये बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए तो क्या किया? रास्ते में ही बेच दिया। अब देखना यह है, योगी सरकार इस पर जांच कर कार्रवाई करती है, या एलिया का शंकरपुरवा अंधेरे में ही डूबा रहेगा। एक साल पहले भैया लगे रहे। हाँ, कर्मचारी नहीं, आठ नंबर आई है। उसके बाद कर्मचारी आए, बिजली वाले फरंग लिए चले गए, पता नहीं कौन आए, कहाँ का लगे, कहाँ करी नहीं, यू पता ना है, लाइट यहाँ ना आए रही। अयो योगी के लिए सरकार में सब कहूँ बत्ती जाए रही, हमारे पूरा ऐसे पर आए रही। एक साल से हमारे वहाँ खम्भे और लाइन लगी हुई है, लेकिन आज तक बिजली नहीं चालू की गई। एक साल पहले विद्युतीकरण हुआ था नया, और 8 दिन मात्र लाइन चलने के बाद बिजली विभाग कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को ख़राब बता करके यहाँ से उतार ले गए, लेकिन कहाँ ले गए ये कुछ पता नहीं। आज तक ना ही ट्रांसफार्मर आया, ना ही कोई कर्मचारी आया है, और ना कोई देखने आया है। योगी सरकार में हर जगह बिजली चल रही है, 18 घंटे से 24 घंटे बिजली देने का वादा किया जा रहा है। हमारे यहाँ का गाँव अंधेरे में ही डूबा रहेगा। हमारी ये योगी सरकार से खास अपील है।